उदाहरण एक, प्रश्न। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में एक ऐसे वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तब वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होगा व्यास का आधा, यानी कि 14/2। इससे हमें मिला 7 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। 2π का मान हम लिख लेते हैं 22/7, और त्रिज्या का मान होगा 7 सेंटीमीटर। सरल कर लें इसे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, हमें क्या मिला? 2×22। इसका परिधि हमें मिल गई, वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। चलिए अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा πr² पाई का मान रख लें 22/7, और त्रिज्या हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, तो हो गया 7² इसे सरल करने के लिए हम 7 के वर्ग को लिख लेते हैं 7×7। 7 एकम 7, 7 एकम 7, हमें क्या मिला? 22×7, जिसका मान होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें वृत्त की परिधि प्राप्त हुई 44 सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल मिला 154 वर्ग सेंटीमीटर।